और देखिए इस वक्त पर एक बड़ी खबर, ज्ञान वापी पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अभी सुनवाई नहीं, सर्वे पर रोक के लिए एक्ट का हवाला न दे। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र हुआ है सुनवाई के दौरान, जिसके बारे में कोर्ट ने कहा कि अभी इस एक्ट का हवाला न दे। तो देखिए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार दलील देता है कि इसमें साफ लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल को बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब यहां पर देखिए बड़ी खबर है, ज्ञानवापी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदेश लिखवा रहे हैं, किसी भी वक्त यह फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी पर आदेश लिखा जा रहा है, ज्ञानवापी पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। ये देखिए ये बहुत बड़ा इस वक्त का अपडेट हम आपको दे रहे हैं, और ये मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट गया उसको लेकर आज सुनवाई हुई और कई सारी टिप्पणियां उसमें सामने आई हैं और अब फैसला लिखवाया जा रहा है। सीधे चलते हैं पीयूष पांडे के पास। पीयूष कितनी देर में आ जाएगा फैसला? बिल्कुल गौरव, देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर फैसला अभी लिखाया जा रहा है, आदेश लिखाया जा रहा है, सीबीआई खुद ये आदेश लिखा रहे हैं और वो स्पष्ट कर चुके हैं कि हाईकोर्ट की ओर से इस आदेश को बहाल रखा गया था और उससे पहले इस मामले में। अच्छा पीयूष आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, कुछ दिक्कत है, हम आपको फिर से जोड़ते हैं। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को यह अपडेट दे दें कि किसी भी वक्त ज्ञान वापी सर्वे पर फैसला आ जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जब वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसके बाद जब वहां पर दलीलें दी गई दोनों पक्षों की ओर से, अब किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। पीयूष बताइए क्या बता रहे थे आप? जी बिल्कुल गौरव, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश लिखाया जा रहा है, मैं कुछ ही पलों में आपको ये स्पष्ट कर दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश जारी किया जा चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट और निचली अदालत की ओर से जो आदेश दिया जारी किया गया था उसको दर्ज कर रहा है अपने आदेश में, साथ ही जो सॉलिसिटर जनरल की ओर से बयान दिया गया है जो आश्वासन के तौर पर है कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा ज्ञानवापी स्थल के, तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश लिखाया जा रहा है, मैं आपको कुछ ही पलों में इस बारे में अपडेट करूंगा। जी अच्छा, पीयूष एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है अदालत की टिप्पणियों को अगर हम गौर से देखें तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि एसआई सर्वे के पक्ष में नजर आई अदालत। जज साहब की जो टिप्पणियां हमने देखी उसके बिना पर मैं ये बात कह रहा हूं, ज्यादा संभावना क्या इस बात की नजर आती है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया जाए सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल समीर, देखिए ये संकेत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, देखना ये होगा कि अदालत अपने आदेश में क्या चीजें रिकॉर्ड करती है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल की ओर से जो आश्वासन दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी में सर्वे जारी रहेगा, एएसआई का सर्वे जारी रहेगा, ये तय कर दिया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में। ज्ञानवापी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट फैसला सामने आ चुका है, ज्ञानवापी में जो एएसआई का सर्वे चल रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे चल रहा है, वो जारी रहेगा, ये क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए इसके आसार पहले से जताए जा रहे थे क्योंकि टिप्पणियां साफ तौर पर ये की गई थी कि एएसआई का जो सर्वे चल रहा है उससे दिक्कत क्या है, वो भी तब जब एएसआई ने हलफनामा दिया है एक बड़ा राइडर और समीर नुकसान नहीं पहुंचेगा। समीर इसमें एक बड़ा एक और राइडर है और वो ये है कि संरक्षित क्षेत्र को छोड़कर, यानी जो निचली अदालत का फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीज एरिया को छोड़कर पूरे एरिया का सर्वे होगा, ठीक वही यहाँ पर फैसला आता हुआ। सीधे चलते हैं पीयूष के पास। पीयूष बताइए जरा डिटेल में इस फैसले के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए गौरव मैं आपको साफ बता दूं कि अभी भी आदेश लिखवाया जा रहा है, इसमें कई पार्ट लिखवाए जा चुके हैं और उसमें साफ किया जा चुका है कि जो हाईकोर्ट का आदेश था और निचली अदालत का जो आदेश था उसमें एसआई सर्वे को पहले निचली अदालत ने एसआई सर्वे का आदेश दिया, उसके बाद हाईकोर्ट ने बहाल रखा और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि इस मामले में जो सर्वे का आदेश है वो सही है। और अभी जो मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ नहीं, अभी आदेश लिखवाया जा रहा है लेकिन हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को बहाल रखने की बात कही है, मतलब क्लियर कर दीजिए कि एएसआई सर्वे जारी रहेगा। क्लियर कर दीजिए, फैसला आ गया है, फैसला भी आएगा, ये क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लियर कर दीजिए एक लाइन में। देखिए मैं आपको साफ बता दूं कि अभी आदेश लिखवाया जा रहा है और कुछ ही पलों में ही आदेश स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आदेश पूरा जो ब्यौरा है हाईकोर्ट के आदेश का वो भी लिखवाया जा रहा है और निचली अदालत का जो आदेश का ब्यौरा है वो भी लिखवाया जा रहा है। उसके अलावा मैं दूसरे ईयरफोन से आपको बता दूं कि मैं आदेश पूरा सुन रहा हूं और जैसे ही
इसमें पूरा स्पष्टीकरण आता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी आदेश लिखाया जा रहा है। पीयूष की हाई कोर्ट कुछ पलों की मोहलत दीजिए। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था एएसआई सर्वे को बहाल रखने का, उसे अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अभी संकेत दिया है साफ तौर पर कि इस मामले में जो हाई कोर्ट का आदेश है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। और हाई कोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं है, हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी आदेश लिखवाया जा रहा है, यानी कि जब तक आदेश पूरी तरह से लिखवा नहीं दिया जाता तब तक मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं कर सकता। तो आप रुकिए, अभी हम आते हैं आपके पास। पीयूष, अभी हम आपके पास आते हैं, हम अपने दर्शकों को क्लियर कर दें कि आदेश अभी लिखवाया जा रहा है और वो आदेश जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन आएगा हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी ज्ञानवापी पर सीजेआई आदेश लिखवा रहे हैं और जो आदेश जो टिप्पणियां दी हैं वो हम सब आपको बता रहे हैं।